सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने देर रात एक नई लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट में 45 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट दिया गया है। वहीं बैरिया सीट से मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काटकर मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। पडरौना से मनीष जायसवाल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो ये नई लिस्ट बीजेपी की तरफ से देर रात जारी की गई है, जिसमें 45 उम्मीदवारों के नाम शामिल है और इसमें स्वाति सिंह के पति दयाशंकर को भी पार्टी ने टिकट दिया है। बलिया से दयाशंकर को पार्टी ने टिकट दिया है। अभी जो बैरिया सीट से सुरेंद्र सिंह है उनका टिकट काट दिया गया है और यहां से मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो ये नई लिस्ट में किस किस का नाम है ये टैली के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अजय दुबे मुंगरा बादशाहपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा रामराज वनवासी जखनिया से प्रत्याशी हैं। राम नरेश जंगीपुर से प्रत्याशी हैं। ये 45 उम्मीदवारों के नाम है इस लिस्ट में जो देर रात बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। बैरिया से मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह की जगह मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को बीजेपी ने टिकट दिया है। टिकट के ऐलान के चंद मिनटों बाद ही सुरेंद्र सिंह ने ट्वीट कर ये बता दिया कि वो अब पार्टी से बगावत कर चुके। सुरेंद्र सिंह ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है कि वो कल निर्दलीय नामांकन करेंगे और इसके लिए उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा है। तो सुरेंद्र सिंह टिकट काट दिया सुरेंद्र सिंह का बीजेपी ने और अब सुरेंद्र सिंह नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, नामांकन करेंगे निर्दलीय और इसके लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। ये ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कई बार सुर्खियों में रहे हैं, कई बार इस तरह की बयानबाजी हुई सुरेंद्र सिंह की तरफ से, जिसको लेकर सवाल सुरेंद्र सिंह पर बहुत बार उठे और अब पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है तो वो पार्टी से अब बगावत कर चुके। एक ट्वीट करते हैं जैसे इस बात का पता चलता है कि उनका टिकट कट चुका है और उस ट्वीट में ये साफ करते हैं कि वो निर्दलीय नामांकन करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, ये 45 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है देर रात, लेकिन ना लिस्ट तो जारी कर दी है, कई नए चेहरे जिन्हें जगह मिली है, लेकिन कुछ जो पुराने चेहरे हैं वो नाराज दिख रहे हैं। सुरेंद्र सिंह की बात कर ले, साफ तौर पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, निर्दलीय नामांकन करने वाले हैं, इस बात की जानकारी देते हैं ट्वीट के जरिए। देखिए जी, जब भी किसी राजनीतिक पार्टी की सूची जारी होती है खासतौर से उम्मीदवारों की, तो इस तरह की नाराजगी अब एक पैटर्न बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एक तरफ जहां चुनाव से बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही थी, तो उस दौरान ये साफ तौर पर उन विधायकों मंत्री को संदेश दिया गया था कि जिनका भी रिपोर्ट कार्ड बेहतर नहीं है उनको इस बार मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जब ये बहुत बड़ी संख्या में जब बहुत से लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ने लगे तो पार्टी थोड़ा बैकफुट पर थी। हालांकि अब जो बहुत बड़े नंबर में टिकट कटने थे वो अब बहुत ही कम ही ऐसे लोग हैं जिनको एक बार फिर से मौका देने के मूड में भारतीय जनता पार्टी है। तो इसी कड़ी में आनंद स्वरूप जो शुक्ला है उनको मंत्री को बैरिया भेजा गया, जिसके बाद सुरेंद्र सिंह का वहां से टिकट कटा और साफ तौर पर उनमें नाराजगी है क्योंकि सुरेंद्र सिंह लगातार कई ऐसे बयान देते रहते थे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाती थी। कहीं ना कहीं सफाई पार्टी लाइन को देनी पड़ती थी, पार्टी की तरफ से तमाम तरह की कोशिशें की जाती थी कि उनके बयान से किसी भी तरह से पीछा छूटे। ऐसे में इस बार की लिस्ट में साफ तौर पर उनको जो है लिस्ट से बाहर किया गया और बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि सुरेंद्र सिंह की तरफ से भी बगावती बोल बोले गए हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि 8 को नामांकन करेंगे। तो ऐसे में अब दिलचस्प ये होगा कि हालांकि उस सीट पर टिकट कटने के बाद क्या सुरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान पहुंचा पाएंगे या फिर वहां पर बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। शुभम बने रहिए, मैं आपके पास लौटती हूं, अभी आगे अपडेट आपसे लेंगे।